अगले टॉपिक की बात करते हैं, और टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है बैंकिंग सिस्टम। कौन सा सिस्टम? बैंकिंग का सिस्टम। बराबर है। अगर हम बैंकिंग सिस्टम नाम के टॉपिक की बात करें, तो हमने क्या कहा कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जो बैंकिंग सेक्टर है, उसका काम है कि इकोनॉमी में पैसे को लेके आना और दूसरे लोगों तक पैसे को पहुंचाना। सर, इकोनॉमी के अंदर ही एक पार्टी से दूसरे पार्टी के पास में, या एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के पास में पैसे पहुंचाने का जो काम होता है, वो कौन करता है? बैंक करता है। बराबर है। तो ये चीज को अच्छे तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल जो है वो अपन लेके चलते हैं, ठीक है? इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा फनी वे में, जैसे कि मैं हमेशा बनाता हूं, वैसे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। बराबर है। प्लीज इन चीजों को दिल पे नहीं लेंगे, ठीक है? और इस पर चीज का अगर कहीं किसी से कोई संबंध पाया जाए, तो इसे मात्र एक सहयोग कहा जाएगा। क्लियर? चलिए, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर बैंक है, ठीक है? इस बैंक का नाम है चिंदी बैंक। कौन सा बैंक है? चिंदी बैंक। बराबर है। और लेट्स टेक एन एग्जांपल कि पूरे के पूरे कंट्री में जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है, वो बस यही है, एक बैंक। क्लियर है? नाउ द पॉइंट इज कि ये जो बैंक है, इस बैंक का मेन काम क्या है? सर, इस बैंक का मेन काम है, सबसे पहली बात, बोरोइंग करना। क्या करना? बोरोइंग करना। बराबर है। सब मार्केट में लोग होंगे, जैसे मान लो कोई एक इंसान है और इस इंसान का नाम है सिंधी। क्या नाम है? सिंधी। बराबर है। अब ये जो सिंधी नाम का इंसान है, ये इस बैंक के पास में जाता है और ये बैंक के पास में कुल मिला के 10,000 रुपए का डिपॉजिट करता है। क्लियर है? सर, ये जो डिपॉजिट यहां पे किया जाता है, इस डिपॉजिट को नाम दिया जाता है डिमांड डिपॉजिट। क्या नाम देते हैं? डिमांड डिपॉजिट। सर, क्यों डिमांड डिपॉजिट? सर, ये एक ऐसा डिपॉजिट हम आपके पास में कर रहे हैं जो कि कभी भी पैसा डिमांड करने पे आप हमको वापस कर देंगे, इसीलिए इसे नाम दिया जाता है क्या? डिमांड डिपॉजिट। क्लियर है? जो कि सेविंग अकाउंट के तौर पे हो सकता है या फिर करंट अकाउंट के तौर पे हो सकता है। बराबर है। सो नाउ द पॉइंट इज कि अगर किसी बंदे ने इस बैंक के पास जाके अपना अकाउंट ओपन किया होगा और अगर 10,000 रुपए का डिपॉजिट करवाया होगा, तो ऐसे केस में जो ये आपका बैंक रहेगा, वो इस बंदे का एक अकाउंट ओपन करेगा और क्रेडिट साइड में लिख देगा कि आपके कुल मिला के 10,000 रुपए जो है वो हमारे पास में डिपॉजिट है, और आप जब चाहें तब ये पैसा डिमांड करके लेके जा सकते हैं। पॉइंट समझा? सर, बैंक ने यह भी कहा इस इंसान से कि आपके इस डिपॉजिट पे हम आपको इंटरेस्ट पे करेंगे। क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट पे करेंगे एट द रेट ऑफ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, 4%, 4% पे। बराबर है। बैंक ने कहा कि आज आप हमको 10,000 रुपए दे दीजिए और इस 10,000 रुपए के बदले में हम आपको इंटरेस्ट पे करेंगे, और इंटरेस्ट कितना रहेगा? 4% का। बराबर है। अब नाउ पॉइंट इज कि जो पैसा है, जो बैंक अपने पास में रखने वाला है, ये पैसा मोरपंख तो नहीं है कि आपने तिजोरी में रखा और डबल हो जाएगा। बराबर है। ये जो पैसा है, ये चिंदी बैंक किसी बाहर वाले को लोन पे देगा, लेंडिंग करेगा। बराबर है। तो मान लीजिए देर इज अ पर्सन जिसका नाम है बिंदी। क्या नाम है? बिंदी। बिंदी नाम की कोई पर्सन है जिसको कोई काम करना होगा, कुछ प्रोजेक्ट होगा उसका, तो उसके लिए पैसे उधार लेने की उसको जरूरत है। बराबर है। तो ऐसे केस में ये जो बिंदी है, ये जाती है चिंदी बैंक के पास में और अप्रोच करती है कि मुझे पैसा उधार पे चाहिए। तो जो आपका ये बैंक रहेगा, कौन सा बैंक? चिंदी बैंक। ये पैसा उधार देगा, यानी कि लेंडिंग करेगा इस बिंदी को। कितने रुपए का? लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 10,000 रुपए जो है वो उधार पे दे दिए। लेकिन जब ये पैसा उधार पे दिया गया होगा, तो यहां पे कहा गया होगा कि सर, हम आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इट विल बी एट द रेट ऑफ 8% पर एनम के हिसाब से। पॉइंट समझा? तो अब यहां पे ध्यान से सुनिए। सब बोले ये जो बैंक है, इसका मेन काम हमने बताया क्या काम है? इसका काम है लेंडिंग करना और बोरोइंग करना। सस्ते पे हमने परचेस किया, महंगे पे हमने बेच दिया, और 8% पे हमने बेच के 4% पे हमने जो कॉस्ट यहां पे लगाया है, इसके डिफरेंस में जो 4% का हमें प्रॉफिट मिल रहा है, इस प्रॉफिट को नाम दिया जाता है स्प्रेड। क्या नाम दिया जाएगा? स्प्रेड। इंपॉर्टेंट चीज सुनिए, सब बोले एक वर्ड है जिसका नाम क्या है? स्प्रेड।
स्प्रेड इज अ डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन लेंडिंग रेट, कौन सा रेट? लेंडिंग रेट एंड बोरोइंग रेट, बराबर है? सब बोले आपने 8 रुपए पे लेंड किया और सॉरी 8% पे लेंड किया और 4% पे आपने बोरो किया था, तो 4% का आपका डिफरेंस आ रहा है, विच विल बी कॉल्ड एज व्हाट? स्प्रेड। क्लियर है? ठीक है। नाउ द पॉइंट इज कि यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बोले सर वो क्या? वो ये कि आपने 10,000 रुपए यहां लिए और पूरे 10,000 रुपए जो थे वो किसी दूसरे बंदे को आपने क्या कर दिया? उधार दे दिया, बराबर है? और आपने इससे ये कहा था कि सर ये तो आपका डिमांड डिपॉजिट है, यानी कि आप जब चाहें तब आप हमसे पैसा डिमांड करेंगे और हम आपको पैसा दे देंगे। तो मान लीजिए कि अगर कभी सिंधी एटीएम में जाता है और जाके पैसे विड्रॉ करने की कोशिश करता है, तो पॉइंट ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये 10,000 रुपए, ठीक है, तो ये जो 10,000 रुपए हैं ये बैंक के पास में फिलहाल रखे हुए हैं। किसने दिए? सिंधी ने दिए। क्लियर है? और ये 10,000 रुपए हमने किसको दे दिए? बिंदी को दे दिए। अब नाउ द पॉइंट इज कि अगर ये पैसा वहां जा चुका है तो हमारे एटीएम में तो कुछ भी नहीं होगा ना सर, फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? डिमांड डिपॉजिट कैसे बोल दिया फिर आपने इसको? पॉइंट समझ में आया? तो ऐसे केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली चीज जो यहां इंट्रोड्यूस की गई बाय द बाप ऑफ बैंक्स, जिसका नाम क्या है? आरबीआई। कहा गया कि आपको सीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा। किसको कहा गया? बैंक को कहा गया। बैंक को कहा गया कि आपको सीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा। पॉइंट समझा? सीआरआर का मतलब क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। सब बोले ये मेंटेन करके मैं क्या करूं? बोले सर आप जो यहां पे सीआरआर मेंटेन करेंगे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 4% बोले मेंटेन करना है, बराबर है? तो होगा क्या कि ये जो आपके पास में कुल मिला के 10,000 रुपए हैं, इस 10,000 रुपए में से कुछ पैसा आपको हमेशा अपने बैंक के पास रखना पड़ेगा, और जो बाकी पैसा है ये अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं? लोन दे सकते हैं। पॉइंट समझा? सो दैट अगर इस पटले इंसान को कभी भी पैसे की जरूरत पड़े तो ऐसे केस में वो बंदा क्या करेगा? वो जाएगा एटीएम और जो ये पैसा आपने एटीएम में डाला होगा इसको विड्रॉ कर सकता है। पॉइंट समझ में? तो ये वाली चीज यहां पे बोलेगी। लेकिन पॉइंट ये है कि सर ये भी तो पॉसिबल है कि उस बंदे को इससे भी ज्यादा पैसा लग जाए। क्लियर है? तो सर ऐसे केस में क्या करेंगे? तो ऐसे केस में कहा गया एक काम करते हैं, क्या? कि सर जहां हमने इस बंदे का डिमांड डिपॉजिट अकाउंट क्रिएट किया, सेम इसी तरीके से इसका भी तो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। सर मतलब ये कि आप इस इंसान को 10,000 रुपए हार्ड कैश मत दो, ये जो हार्ड कैश है ये यहीं पे ही रहने दो, ये जो हार्ड कैश है ये आप बैंक के पास ही रहने दो, और उस इंसान से आप कहो कि काम करो ना। बोले क्या? आप हमारे यहां पे डिमांड डिपॉजिट अकाउंट ओपन क्यों नहीं कर लेते? पॉइंट समझा? इससे आपको हार्ड कैश मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या होगा कि आपको हमारे अकाउंट में, हमारे बैंक में एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और इस बैंक के अंदर आपको कुल मिला के 9,600 रुपए जो है, जो हम आपको लोन दे रहे हैं। सर 9,600 कहां से आया? सर 10,000 का हार्ड कैश था, इसमें से सीआरआर मेंटेन करना था 4%, तो 10,000 में से 400 रुपए माइनस हो गए, बचे कितने? 9,600, जो कि हम क्या कर सकते हैं? लोन दे सकते हैं। पॉइंट समझा? तो 9,600 रुपए ये लेके मत जाओ, यहीं रहने दो, आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं डीमटलाइज्ड फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? डीमटलाइज्ड फॉर्म में। पॉइंट समझा? और अगर मान लीजिए अगर आगे चल के आप कभी किसी दूसरे बंदे से ट्रांजेक्शन करते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप कहीं गए, बीइंग बिंदी आप मार्केट में गए और मार्केट में जाके आपने किराना परचेज किया, तो उस बंदे को कैश दो ही मत, उस बंदे को चेक साइन करके दो या उस बंदे को इलेक्ट्रॉनिक वे में पेमेंट करके दो। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में मान लीजिए आपने 2,000 रुपए का सामान परचेज किया, तो 2,000 रुपए आपके अकाउंट से क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। 2,000 रुपए आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे
और इस सामने वाले बंदे के अकाउंट में जाके क्रेडिट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये पैसा मूव हुआ क्या? नहीं, ये जो पैसा है ये तो बिल्कुल भी मूव नहीं हुआ, ये तो यही बैंक के पास में ही रखा रहा। पॉइंट समझा सर? अगर इस तरीके से काम करते हैं तो आपका जो पैसा रहेगा वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहेगा और इस पर्टिकुलर चीज से आप मनी को सर्कुलेट कर पाएंगे पूरी इकोनॉमी के अंदर और अपनी जरूरतें जो हैं वो आप प्रॉपर तरीके से पूरी कर पाएंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? चलिए, अब लेकिन एक सवाल पैदा होता है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास में 10,000 रुपए आए तो ये 10,000 रुपए के बेसिस पे हम कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं? पॉइंट समझा? कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा। सो बोले अगर हम बात करते हैं क्रेडिट क्रिएशन करने के बारे में, किसके बारे में? क्रेडिट क्रिएशन करने के बारे में, तो कहा गया है कि सर जो भी आपके पास में हार्ड कैश आया होगा 10,000, इसको बोले अगर आप डिवाइड कर देते हैं CRR रेशियो से, बराबर है? यानी कि अगर मैं 10,000 रुपीज को डिवाइड कर देता हूं 4% से, तो ऐसे केस में जो अमाउंट आएगा इट विल बी रुपीज 2,50,000। पॉइंट समझा? मतलब ये जो 10,000 रुपए हैं इनको मैं यहीं पे रख के अगर क्रेडिट क्रिएशन करना चाहूं तो 2,50,000 रुपए का क्रेडिट जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। पॉइंट समझा? यानी कि अगर ये बैंक चाहे तो अलग अलग लोगों को अगर उधार देना चाहे तो वो दिया जा सकता है। कितने रुपए तक? 2,50,000 रुपए तक। सर 10,000 रुपए को उधार बना के या बेस बना के आप कुल मिला के 2,50,000 रुपए तक का जो क्रेडिट है वो क्रिएट कर सकते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे बोली हैं आरबीआई ने। दैट इज व्हाट? SLR, स्टेट्यूटरी लिक्विड रेशियो, बराबर है? सो बोले SLR का मतलब क्या होता है? स्टेट्यूटरी लिक्विड रेशियो। सो बोले ये क्या रहता है? बोले ये ऐसा है कि आपसे कहा गया है कि आप इस SLR में से जो CRR है वो तो मेंटेन करेंगे 4%, बराबर है, लेकिन इसके अलावा भी आपको मेंटेन करना चाहिए कैश इक्विवेलेंट। क्या मेंटेन करेंगे? कैश इक्विवेलेंट मतलब सर आप इस बचे हुए पैसे को, दैट इज 9,600 रुपए को, पूरे के पूरा पैसा जो है वो आप लोन के तौर पे मत दीजिए, बल्कि इसमें से कुछ अमाउंट जो है वो आप इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट कीजिए जहां पे आप जब चाहे तब इस पर्टिकुलर चीज को वापस से कैश में कन्वर्ट कर सके। सब मतलब ये कि आप अगर चाहें तो गोल्ड परचेज कर लो, आप अगर चाहें तो फ्रीली ट्रेडेबल सिक्योरिटीज परचेज कर लो। पॉइंट समझा? यानी कि मतलब क्या हुआ? सब मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास में ये 10,000 रुपए हैं, बराबर है, तो ये 10,000 रुपए में से, 10,000 में से कुल मिला के 4% बोले तो 400 रुपए आप कैश के तौर पे रखेंगे, और कुल मिला के 1,800 रुपए बोले तो 18% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इनटू द गोल्ड और एनी अदर फ्रीली ट्रेडेबल सिक्योरिटीज। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपके पास में कितने रुपए बचेंगे? 2,000, सॉरी 2,200 रुपए माइनस हो गए, कुल मिला के 7,800 रुपए जो है वो आपके पास बचते हैं। तो सर 7,800 रुपीज का आप क्या कर सकते हो? लोन दे सकते हो, बराबर है? और कुल मिला के इतना आपको SLR जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। इस SLR के अंदर एक और चीज CRR, ध्यान से सुनेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, CRR जो है वो कोई अलग पार्ट नहीं है, वो इसी का ही पार्ट है, SLR का ही पार्ट है। CRR बोले तो कैश, SLR बोले तो स्टेट्यूटरी लिक्विड रेशियो, अरे कैश इक्विवेलेंट वाला रेशियो सर, या कैश वाला रेशियो। समझ में आया क्या? सर SLR के अंदर दो चीजें मिली होती हैं, एक होता है कैश और दूसरा होता है कैश इक्विवेलेंट। सर ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि इजीली कन्वर्टेबल होता है इनटू द कैश। ये समझ में आया आपको? क्लियर है? डन। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज होती है जिसे आप कहते हैं रेपो रेट। कौन सा रेट? रेपो रेट। सर रेपो रेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीपरचेज रेट।
कौन सा रेट? रीपर्चेज रेट। ये ध्यान से सुनिए सर, हमने नॉर्मली जब ये वाली चीज के बारे में बात की, हमने कहा जो बैंक होता है उसका काम होता है लेंडिंग करना और बोरोइंग करना। नाउ द पॉइंट इज कि मान लीजिए कि एक पड़ले इंसान ने इस बैंक को पैसा दिया और हमने इससे 2.5 लाख रुपए का जो क्रेडिट है वो रेस कर दिया, यानी कि ये पूरा का पूरा पैसा सीआरआर में चला गया होगा, राइट? नाउ द पॉइंट इज, अगर इस पड़ले बैंक के पास में कोई और बंदा आता है और आके कहता है कि मुझे भी लोन चाहिए, तो क्या ये दे पाएगा? सर अगर मेरे खुद के पास में पैसा नहीं आया तो मैं कहां से दे दूं? तो ऐसे केस में जो आपका ये बैंक है ये जाता है आरबीआई के पास। किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई को कहता है कि सर एक काम कीजिए, आप मेरी कुछ सिक्योरिटीज को परचेज कर लीजिए और बदले में आप मुझे पैसा दे दीजिए कुछ टाइम के लिए, और आफ्टर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड मैं आपके पास वापस से आऊंगा, ये सिक्योरिटीज आपसे रीपरचेज कर लूंगा और आपको आपका जो पैसा है वो वापस कर दूंगा। पॉइंट समझा? ध्यान से सुनिए सर, बोले जिस रेट पे आपका बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेता है उसे आप नाम देते हैं रेपो रेट। क्या नाम देते हैं? रेपो रेट। बोले तो रीपरचेज रेट। इज दिस पॉइंट क्लियर? डन। एंड सेम इसका अपोजिट आपका क्या रहेगा, इसे आप कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। इज दिस पॉइंट क्लियर? डन। तो ये सब चीजें दी गई हैं किसमें? बैंकिंग वाले चैप्टर के अंदर। क्लियर है? डन।